मेरे YouTube चैनल हिमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नया चीज़ सीखेंगे जो है आस्तीन में लैस कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलना। तो देखिए ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें अस्तर अटैच करेंगे, उसके बाद हम ये लैस को लगाएँगे। तो ये लैस कैसे लगाना है वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो चलिए पहले हम इसे अस्तर को अटैच कर लेते हैं। देखिए मैंने अस्तर को तो अटैच कर दिया है दोनों, अब हमें लैस कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँ। तो हमने ये दो पीस में कट कर लिया है, जो ब्लाउज के कपड़े में ही लैस निकलता है। तो क्या करना है हमें, इसे इस तरह बराबर पहले इसको फोल्ड करना है। इस तरह हमें इसे बराबर फोल्ड करके यहाँ चौक से एक निशान लगा देना है, यहाँ पर एक चौक से निशान लगा देना है। अब इसे इस तरह खोल के रखना है, इसको भी इस तरह बराबर इस तरह निशान लगा के यहाँ पर एक चौक का निशान दे देना है। अब इसे क्या करना है, जो हमने चौक का निशान लगाया है उसके बराबर पे इस तरह रखना है। इस तरह देखिए इसे रख लेना है बराबर तरीके से। अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड करना है, जो हमारा ये खुला पार्ट है देखिए इसको क्या करना है, इस तरह थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड करना है और इसके ऊपर आप सीधी सिलाई लगाना है। तो जिस तरह हमने यहाँ फोल्ड किया है उसी तरह थोड़ा सा जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी फोल्ड करेंगे सीधे में और यहाँ भी सीधे में फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने सीधे में जो हमने सिलाई करके फोल्ड किया है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह घुमाना है और इसको फिर थोड़ा सा यहाँ पर फोल्ड कर देना है इसके बराबर में जितना हमने मोड़ा है। अब इसे घुमा के यहाँ पर सिलाई लगाना है, अब फिर इसे इस तरह घुमाना है और सीधी सिलाई इस पर लगा देना है। लैस लगाने का परफेक्ट तरीका यही है, इससे हमें सिकुड़न भी नहीं आएगा हमारे लैस में। देखिए हमने लैस लगा लिया है, बहुत परफेक्ट तरीके से हमारा लैस लगा है और सिकुड़न भी नहीं आया। इसी तरीके से हमें अस्तर वाले ब्लाउज़ में या बगैर अस्तर वाले ब्लाउज़ में लैस इसी तरीके से हमें लगाना है। 2 मिनट में आप लैस लगा के तैयार कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लैस लगाने का तरीका आपको कैसे लगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिए, मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।